किन्नौर जिला व हिंदुस्तान का आखिरी गांव छितकुल में दो दिनों से मौसम खराब होने के बाद भारी बर्फबारी हुई है। ऐसे में छितकुल गांव का तापमान शून्य से नीचे चला गया है और पीने का पानी भी जमने लगा है। वहीं ठंड के चलते ग्रामीणों ने अब घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया है। बर्फबारी से छितकुल गांव ढक चुका है। ऐसे में पर्यटकों की आमद भी अब छितकुल गांव में घूमने के लिए आने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सड़कें फिसलन भरी होने के कारण फिलहाल पर्यटकों को छितकुल की ओर जाने पर प्रशासन ने मनाही की है। किन्नौर जिला के छितकुल गांव में दो दिनों से बर्फबारी के बाद आज बर्फबारी का दौर थम चुका है, लेकिन आसमान में हल्के हल्के बादल अभी भी छाए हुए हैं। वहीं बर्फबारी का दौर थमने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है और अब ग्रामीण घरेलू कार्य को दोबारा शुरू कर सकते हैं, लेकिन छितकुल में बर्फबारी के बाद खेतीबाड़ी के सभी काम फिलहाल प्रभावित हुए हैं। जिला के छितकुल की पहाड़ियों पर बर्फबारी के चलते ट्रैकिंग पर पूर्व में ही किन्नौर प्रशासन ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत प्रतिबंध लगाया हुआ है। बता दें कि किन्नौर जिला के आसरंग, कूनो, चारंग, कल्पा व छितकुल में बर्फबारी के बाद तापमान शून्य से नीचे चला गया है, लेकिन अब इन ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की समस्या भी बढ़ने लगी है, क्योंकि तापमान शून्य से नीचे जाने के बाद अब पीने के पानी के पाइपलाइनों ने जमना शुरू कर दिया है, जिसके चलते लोगों को पीने के पानी के लिए कई किलोमीटर दूर प्राकृतिक जल स्रोतों से पानी भरना पड़ता है।